हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सन अभिप्सा टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ग्रामर पार्ट्स देखे थे जिसमें क्वेश्चन टैग एंड आर्टिकल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और ये है पार्ट वन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन स्कूल के लिए लिटिल फ्रेंच को किस बात के लिए प्रिपेयर होने की आशा की गई थी। तो जो फ्रेंच है उसे इसलिए प्रिपेयर करने की आशा की गई थी कि वो पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ करके आए, परंतु क्या वो पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ करके आया था? नहीं, तो वो अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था और वो पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। तो वो पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ करके नहीं गया था, यानी वो अपना होमवर्क करके नहीं गया था और वो ऐसे ही गया था और वो पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। तो क्या आपको जब होमवर्क दिया जाता है तो आप करते हो ना अपना होमवर्क? करते हो ना, गुड। तो अपना होमवर्क करके आना है। यदि हम वीडियो के माध्यम से यदि आपको होमवर्क देते हैं तो भी आप किया करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके आपका जो ज्ञान है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान भी है कि वो अपना होमवर्क अच्छे से ईमानदारी से करे। तो पार्टिसिपल्स आखिर में होता क्या है? तो पार्टिसिपल्स वो होता है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करता है, तो उसे कहते हैं पार्टिसिपल्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? तो बुलेटिन बोर्ड पे एक आदेश के बारे में था जो कि बर्लिन से आया हुआ था, और जो आदेश था, ऑर्डर था, वो उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि अल्सेस एंड लॉरेंस के स्कूल्स में फ्रेंच भाषा की जगह पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि युद्ध का समय था। अब युद्ध में ऐसा हुआ कि फ्रेंच भाषा की जगह पर अब जर्मनी भाषा आने वाली थी, तो यही चीज़ें लिखी हुई थी। तो आंसर हो जाएगा, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस इन लॉरेन। तो ये आदेश था, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बर्लिन से आए हुए जो आदेश है उसकी वजह से उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन आया हुआ था, क्या परिवर्तन आया? तो उस दिन ये परिवर्तन आया कि जो गांव वाले लोग थे वो वहाँ पे स्कूल में आए हुए थे, वहाँ पे काफ़ी शांति थी। जैसे अन्य दिनों ये होता था कि काफ़ी शोर शराबा होता था स्कूल्स में, लेकिन उस दिन ऐसा था कि स्कूल्स में पूरी तरह से शांति थी। लोग काफ़ी दुखी थे, काफ़ी सीरियस लग रहे थे, और जो गाँव वाले थे वो भी आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? ताकि वो जो है जो टीचर है मिस्टर एम हमल, उनके प्रति वो अपना धन्यवाद अर्पित कर सके, इसलिए वो आए हुए थे। तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, ऑल लुक द सैड एंड सीरियस, ऑल पीपल ऑफ द विलेज हैड केम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द विलेजर्स सीटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विलेजर्स थे वो क्लास के बैक साइड में, बैक बेंचेस में क्यों बैठे हुए थे, क्यों आए हुए थे? तो इसका रीज़न ये है कि वो इसलिए आए हुए थे ताकि वो मिस्टर एम हैमल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, उनके 40 ईयर्स के द्वारा किए गए जो फैथफुल सर्विस है उनके प्रति वो उनको धन्यवाद करना चाहते थे, इसीलिए वो आए हुए थे, और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए वो आए हुए थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी दर्शाती है कि जो विलेजर्स है वो अपने देश के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, कितना सहानुभूति रखते हैं, सिंपथी रखते हैं, और अपनी भाषा के प्रति उनका क्या रवैया है, अपनी भाषा के प्रति वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे, स्कूल्स में आए हुए थे, और वो बैक साइड में बैठे हुए थे। ओके, बैक बेंचेस में बैठे हुए थे। तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, दे वॉन्टेड टू शो देयर सिंपथी एंड रिस्पेक्ट टू मिस्टर एम हैमल या एम हैमल द टीचर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस। दे हैड ऑल्सो
come to show their respect for the country and the French language that was theirs no more. और उनकी जो भाषा French language थी वो अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी, यानी वो last class थी French language की, French language भाषा की, ठीक है. उसके बाद तो फिर अगले दिन से कौन सी भाषा पढ़ाई जाने वाली थी, जर्मन भाषा. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है What makes the city of Firozabad famous? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिरोजाबाद शहर को क्या चीज़ है जो फेमस बनाती है. तो फिरोजाबाद शहर किस लिए फेमस है? फिरोजाबाद शहर जो है वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, यानी वहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है. वहाँ पे हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग के कार्य में लगे हुए हैं और वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक सेंटर भी बन चुका है और इसीलिए वो काफ़ी फेमस है. तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम जो है या बाल मजदूरी को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और इसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं. तो बाल श्रम या बाल मजदूरी को या चाइल्ड लेबर को हम ये इसे क्यों समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक शेमफुल वर्क है. इसमें ये जो है शेमफुल वर्क है और ये बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है. क्यों? क्योंकि जिस एज में बच्चे को पढ़ना चाहिए, जिस एज में उसे एजुकेशन की आवश्यकता है, जिस एज में उसे केयर की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता है, जिस एज में उसे लव की आवश्यकता है, प्यार की आवश्यकता है, ऐसी एज में वो जो है काम पर लग जाता है. यानी वो ऐसी जगह में फंस जाता है जहाँ पर वो सिर्फ काम करता है और वो इन अच्छी चीज़ों से वो काफ़ी दूर हो जाता है, यानी उनका जो भविष्य होता है वो घोर अंधकार में होता है. इसीलिए बाल श्रम को समाप्त होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को समाप्त होना चाहिए. और चाइल्ड लेबर को समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो इसको समाप्त करने के लिए ढेर सारे कानून हैं, लॉ है, बट उनका अच्छे से पालन किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली पालन किया जाना चाहिए, तभी ये जो बाल श्रम है वो हमारे देश से समाप्त हो सकता है. और बाल श्रम को समाप्त करना आवश्यक भी है. आखिर में बाल श्रम होता क्या है? तो बाल श्रम वो होता है जिसमें कोई भी लड़का या लड़की जिसकी एज 14 वर्ष से कम है और यदि वो कहीं पे काम करता है और काम करने के बदले यदि उसे मजदूरी दी जाती है तो वही कहलाता है बाल श्रम. यानी 14 वर्ष से पहले की आयु के बच्चे जो काम पे लगे होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, यानी मजदूरी का काम करते हैं, इट मीन्स इसे हम कहते हैं बाल श्रम या चाइल्ड लेबर और इसे समाप्त किया जाना आवश्यक है. तो इस तरह से समाप्त किया जा सकता है और जागरूकता भी लानी बहुत ज़रूरी है ताकि बाल श्रम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए. तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, इट इज़ अ वेरी शेमफुल कंडीशन दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस. अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर. इट इज़ बैन बाय द लॉ बट नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच पीपल. स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन सो दैट चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड. आपने ये सोचा होगा कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है या जो भी है जो काम कराते हैं, जो बाल श्रम कराते हैं, वो बच्चों को क्यों काम कराते हैं. तो इसका रीज़न यही होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत कम रोजी में, बहुत कम कीमत में काम को कर देते हैं और इसी वजह से बाल श्रम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. किनके द्वारा? उन ग्रीडी लोगों के द्वारा, जो लालची लोग हैं उनके द्वारा. तो उनके लिए ढेर सारे कानून हैं लेकिन उसका अच्छे से पालन किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है. Now let's see the next question. What explanation does the writer give for the children not wearing footwear? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो राइटर है वो उन बच्चों के लिए जो barefoot या footwear है, footwear जो नहीं पहनते हैं, जो जूते चप्पल वगैरह वो नहीं पहनते हैं, ऐसे बच्चों के लिए राइटर जो है क्या स्पष्टीकरण देती है, क्या एक्सप्लेनेशन देती है. तो वो बच्चे जो जूते चप्पल पहनते नहीं हैं उनके लिए राइटर जो है उनके बारे में बताती है कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि इनके पास पहनने के लिए ना जूते हैं ना चप्पल है. कहीं कहीं तो ऐसी भी परंपरा बन जाती है कि वो लोग जो है बिना जूते चप्पल के ही रहते हैं, तो उनके लिए एक परंपरा सी बन गई है. तो ये एक्सप्लेनेशन जो है राइटर देती है. तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा, द रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन. दे डिडंट वेयर शूज एंड दे हैड बिकम यूज्ड टू इट. Even if they had shoes, they made excuses not to wear them. Some even said that going barefoot was a tradition among them.
तो इस तरह से नंगे पांव रहना उनके लिए क्या हो गया, एक ट्रेडिशन बन गई, एक परंपरा बन गई है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज नरेटर मीट साहेब एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नरेटर है वो साहेब से हर सुबह कहाँ पे मिलती थी, कहाँ पे मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है, तो वो जो है गार्बेज डंप के पास मिलती है, जहाँ पे साहेब नाम का जो लड़का है वो अपने दोस्त के साथ वो क्या करता है, वो रैक पिकिंग का काम करता है। तो रैक पिकिंग का काम क्या होता है, रैक पिकिंग का काम वो होता है जिसमें जो कूड़े कचरे होते हैं ना, वहाँ पे जो काम की चीज़ें जैसे सिक्का हो गया या फिर कुछ कुछ धातु हो गया या फिर प्लास्टिक है, तो इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, जो काम की चीज़ें उसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके वो उसे बेचता है और बेच करके अपना जीवन यापन करता है। तो यही होता है रैक पिकिंग का काम, और यही काम करता है तो वो वहीं पर वो मिलती है, क्योंकि वो उसका क्या है, एक नेबरहुड है, पड़ोसी है वो लड़का। और वो कहाँ से आया हुआ है, वो बांग्लादेश से आया हुआ है, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो पहले बांग्लादेश में रहते थे, अब वो यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, द नरेटर मीट्स साहेब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स थ्रोन इन हर नरेटर्स नेबरहुड। ही इज वन ऑफ द बॉयज ऑफ द बेयरफुट आर्मी ऑफ रैक पिकर्स हु आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डगलस है उन्होंने ये निश्चय क्यों किया, उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया कि वो अपने फियर ऑफ वाटर यानी पानी के भय को समाप्त करे, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि डगलस जो है जब कभी भी अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते थे, जैसे वो फिशिंग पे जाते थे, बोटिंग पे जाते थे या फिर स्विमिंग पे जाते थे, कहीं भी हो जाते थे, तो उन्हें जो है हमेशा पानी का डर बना रहता था, उसे पानी का जो डर है वो फिर से पुरानी जो यादें हैं वो भर के आ जाती थी, तो इसीलिए वो अपने डर को ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने फियर ऑफ वाटर यानी पानी के भय को खत्म करेंगे ही। तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह से होगा, डगलस फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। इस तरह से नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the big boy to throw Douglas into the YMCA pool? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मोटा लड़का है, जो जवान लड़का है, वो Douglas को YMCA pool में क्यों फेंक देता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि वो YMCA pool में Douglas को इसलिए फेंक देता है क्योंकि वो अपना धौंस जमाना चाहता था, वो अपना दबदबा बनाना चाहता था, और इसी वजह से वो कहता है हे स्किनी, हे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, ऐसा वो कहते हुए उसे जो है यानी जो डगलस है उनको वो फेंक देता है। तो यही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द बिग बॉय थ्रो डगलस इनटू द YMCA पूल जस्ट टू बुली हिम सेइंग ही हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, और इस तरह से वो जो है फेंक देता है। तो आप क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से समझिए, आसानी से समझिए, रटिए मत, समझिए चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे टीम लगातार लगे हुए हैं, लगातार आपको ढेर सारे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अपना वर्क करते रहिए, और आपका वर्क है अध्ययन करना, और अध्ययन में स्टडी में अच्छे से लगे रहिए। मैं मिलूँगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।